जी राफिया, मुझे आवाज आ रही है आपको? जी बाकी स्टूडेंट्स को मैसेज करें। ये आवाज नहीं आ रही आपको राफिया? मैं तो बोल रही हूँ बच्चे। जी राफिया, अब आवाज आई है मेरी आपको?
जी क्लास, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी दीना, क्या हाल है आपके? ठीक है? कैन यू हियर माय वॉइस? आपको मेरी आवाज आ रही है बच्चों? जी नहीं, हम लोगों ने जो है काफी कुछ जो है मैंने आपको करवा दिया हुआ है, जॉब एप्लीकेशंस भी करवा दी हुई है, उससे रिलेटेड काफी कुछ भी करवा दिया है, लेकिन अभी एप्लीकेशंस कुछ करना बाकी है। जॉब एप्लीकेशन इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर मी, ठीक है? जॉब एप्लीकेशन जो होता है आपका बिल्कुल इम्पोर्टेंट चीज होती है, लेकिन उसके अलावा भी जो है आपको, ठीक है? जी कैन यू हियर माई वॉइस? मेरी आवाज आ रही थी आपको? पीपीटी अपलोड क्यों नहीं हो रही? आवाज आ रही है? ओके, थैंक यू। स्लो आवाज है, थोड़ा सा ऊंची बोले थे, कोई बात नहीं। अच्छा, ये मुझे यहाँ पर अभी जो है और बहुत है। ओके फाइन, पीपीटी पता नहीं क्यों नहीं अपलोड हो रही, कोई भी नहीं हो रही यहाँ पर तो। ओके फाइन, अभी देखते हैं पीपीटी क्यों नहीं अपलोड हो रही। जस्ट वेट स्टूडेंट्स। जी क्लास, जी एप्लीकेशन है आप लोगों की, ठीक है? निशा नसीम, वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? क्या हाल है? ओके देयर, ओके आवाज आ रही है, वेरी गुड। बट देयर आर ओनली सिक्स स्टूडेंट्स, वेयर आर योर अदर स्टूडेंट्स? ठीक है, कुछ लोगों ने जो है वो छोड़ दिया है, लेकिन इट डजंट मीन कि बाकी लोग भी जो है वो ले ही ना, बिल्कुल भी क्लासेस तो लेनी है ना, बाकी लोग कहाँ पर लाइक होते हैं सारे के सारे? आप लोग क्लासेस तो एटलीस्ट अटेंड करें, ये तो कोई तरीका ना होना भाई यहाँ पर। जी एप्लीकेशन बेस्ड ऑन यूनिवर्सिटी पेपर फॉर टू के राइट एन एप्लीकेशन टू स्कॉलरशिप हायर एजुकेशन फॉर द ग्रांट ऑफ स्कॉलरशिप फॉर हायर स्टडीज। ठीक है, हायर स्टडीज के लिए स्कॉलरशिप की चाहिए होती है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए यूनिवर्सिटी सजेशन है, पर्सनल सजेशन कि आप लोग जो है स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो बच्चे आप लोग जो ये स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन जो है वो आपको लिखनी आनी चाहिए, ठीक है? एक कम्प्लीट अच्छे तरीके से जो है वो आनी चाहिए आप लोगों को लिखने के लिए, तो इसलिए एग्जामिनेशन ना लिखेंगे। लेकिन सेक्रेटरी को, वैसे तो हायर एजुकेशन सेक्रेटरी जिसको भी एप्लीकेशन लिखनी होती है ना, सबसे पहले उसका नाम आता है। अक्सर मैंने यहाँ पर बच्चों को जॉब एप्लीकेशन लिखने के लिए दी थी, तो टू द प्रिंसिपल फॉर द इंस्ट्रक्टर या सुपरिंटेंडेंट के नाम, और सुपरिंटेंडेंट उन्होंने लिखा नहीं था, नीचे जो है डायरेक्ट हॉस्पिटल का नाम और लोगों लिख दिया था। बच्चे जब तक आप लोग लिखेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि किसको लिखनी है और किसको नहीं लिखनी। तो सेक्रेटरी हायर एजुकेशन पंजाब, सब्जेक्ट क्या है? ग्रांट ऑफ स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन, ठीक है? हायर एजुकेशन के लिए ग्रांट चाहिए आपको स्कॉलरशिप के लिए। द गवर्नमेंट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर द ग्रांट ऑफ स्कॉलरशिप हायर स्टडीज इन देयर कंट्रीज, दे हैव ऑफर्ड दिस स्कॉलरशिप टू ऑल प्रोफेशनल टैलेंटेड स्टूडेंट्स। तमाम जितने भी प्रोफेशनल टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं उन सबके लिए जो है ये वाली जो है दरख्वास्त उन्होंने लिखनी है, ठीक है? तो इसका एक वे होता है एप्लीकेशन लिखने का, लेकिन आप लोग जो है वो लिखते ही नहीं। ठीक है जी,
Okay, so the advertisement has appeared in the leading Urdu and English newspaper of the country on June 27, 2010. The scholarship is supposed to be enjoyed by those students who have topped the list of successful candidates in the field of the medicine, commerce, science and agriculture. Fortunately, I fall in the category students who can avail themselves of this opportunity. Summary of resume of the education career is given below. Okay? ठीक है जी, क्या कहते हैं कि अभी आप लोगों ने जो है एप्लीकेशन कोई भी लिखनी है, एप्लीकेशन के लिए जो है और यूचस का जो होता है आप कह सकते हैं उसको कि और जैसे हम यूचस का दिया जाता है उसमें क्या करना है कि आप लोगों ने उसमें देनी है एग्जामिनेशन हॉल है वो कंपल्सरी है इसमें. ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल सिटी ओबीसी सिटी जो है ये भी लास्ट में लिखना है, July 15, 2014 ये भी लास्ट में लिखना है. ठीक है, उसके बाद आपको सम क्वेश्चन आपको भी होते जिसको कहते हैं जो भी अगर राइट एन एप्लीकेशन टू द सुप्रिंटेंडेंट लिखी हुई है द सुप्रिंटेंडेंट सबसे पहले आएगा उसके बाद फॉर्म आ जाएगा. ठीक है, इसी तरह से आगे जो है द प्रिंसिपल आएगा तो फॉर्म आ जाएगा. ठीक है, फॉर हायर एजुकेशन की जब आप बात करते हैं तो आपको सेक्रेटरी ऑफ हायर एजुकेशन आ गया है. जी क्लास, इसमें क्या है सबसे पहले जो है आप लोगों ने लिखना है. ठीक है, द प्रिंसिपल कॉमा आगे जो भी आपको लिखा हुआ है क्या है
हायर एजुकेशन, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या सेक्रेटरी क्या हायर एजुकेशन कमीशन में लिखा है, अब क्या है कि जिसके नाम लिखने होंगे वो भी आप लोगों ने यहीं पर लिखना है, ठीक है। और जो बाकी के सारे चीज़ें हैं भी आप लोगों के साथ ही आ जाएगा। तो आप लोगों ने इसके साथ साथ ही जो है उसका नाम बनना ही है, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया ग्रांट ऑफ स्कॉलरशिप फॉर द हायर स्टडीज। द गवर्नमेंट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर द ग्रांट ऑफ स्कॉलरशिप द हायर स्टडीज इज देयर कंट्री। दे हैव ऑफर्ड दिस स्कॉलरशिप टू ऑल प्रोफेशनल पेपर्स ऑफ द कंट्री ऑन June 27, ठीक है। June 27 को जो है 2010 में न्यूज पेपर में एड देखा था। द स्कॉलरशिप इज कोर्स टू बी इंजॉय बाई दो स्टूडेंट्स हू हैव टॉप द लिस्ट ऑफ द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स इन द फील्ड ऑफ इट। कहते हैं सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप था जिन्होंने इसमें टॉप किया है, ठीक है जी। हु कैन अवेल देमसेल्फ्स ऑफ द अपॉर्चुनिटी अ समरी ऑफ रिज्यूमे ऑफ एजुकेशनल करियर इज गिवन बिलो। आई डिड माय ग्रेजुएशन इन कॉमर्स फ्रॉम हेली कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड टॉप द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स। अब इसमें क्या होता है कि आप जिसमें लिखने सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इस तरह से यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा हुआ है ग्रांट ऑफ स्कॉलरशिप फॉर हायर स्टडीज। एक कम्प्लीट सब्जेक्ट आपको ये है कि एक अच्छे तरीके से आप लोगों ने सब्जेक्ट जो है वो बनाना है, कोई भी जो है इसमें आप लोगों ने पीछे में जो सब्जेक्ट होगा तो उसमें ही काम भी कोई इस आप लोगों ने काम होना चाहिए, काम जो है वो आपका कम्प्लीट होना चाहिए। लेकिन बाकी जो है बाकी की सारी एप्लीकेशन जिसको हम बोले होते हैं उसको कोई कम्प्लीट सब्जेक्ट होना चाहिए, अच्छे तरीके से आपके लोगों को सारा काम होना चाहिए ताकि आप लोगों को कोई भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े इसके लिए, ठीक है जी। तो अगर ग्रांट ऑफ स्कॉलरशिप की अगर आप लोग एप्लीकेशन आती है, जॉब एप्लीकेशन आती है तो आप लोग ये साथ ही बाकी स्टूडेंट्स क्यों एबसेंट हैं इतने, कोई भी प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे, साथ ही भी हो गया बाकी सारे स्टूडेंट्स अच्छे नजर नहीं आ रहे प्रेजेंट बच्चे, हाँ सारे प्रेजेंट बच्चे, ओके जी। I did my master in commerce from Oxford College, Karachi, and was declared last year a successful candidate. I got a degree of MBA finance from Lums University and Lahore. I got first class in this degree. I won 3 gold medals in academic career. बच्चों के स्कॉलरशिप के लिए, स्कॉलरशिप के लिए अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो आप लोग सारी डिटेल्स देखेंगे कब कब कहाँ कहाँ कैसे कैसे आप लोगों ने लिया। आई एम वन 3 गोल्ड मेडल्स इन एकेडमिक कैरियर। आई टुक एन एक्टिव पार्ट इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड वाज डिक्लेयर्ड द बेस्ट एथलीट इन द दिल्ली कॉलेज ऑफ कॉमर्स। आई प्लेड क्रिकेट इन द कॉलेज एंड गॉट अ क्रिकेट certificate, the best opening batsman. Best opening batsman ko Surat mein kitne in view the above mentioned facts, my name may be included in the those who are competing for a scholarship abroad. Kehte hain jo ki scholarship abroad ke liye jo hai wo kaam kar rahe hain usme main mere khayal se best cheez hai wo is to scholarship abroad ke liye bhi career mein naam karna isme aap thoda sa jo hai apna वो भी ये चीज़ देख सकते हैं कि आई एम अ पुअर स्टूडेंट, आई बिलोंग टू अवर फैमिली, कौन सी माई फैमिली कौन सी थ्री सिस्टर्स एंड टू ब्रदर्स, अपनी फादर डिटेल्स भी देख सकते हैं। माई फादर इज अ पुअर पर्सन, ही कैन नॉट अफोर्ड मनी एंड फी कॉलेज फी, दैट्स व्हाई आई वांट टू स्कॉलरशिप फॉर द
be it the expenditures or for my education. Okay, ये सारा कुछ आप लोगों को मैं वो इस तरह से लिखूँगी. ओके जी, समा सहर प्रेजेंट हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, समा सहर है, ठीक है. सुबह का आप प्रेजेंट का बता दें जी. बाकी के स्टूडेंट्स कहाँ पे, मेरे यहाँ पढ़ लिख ली फोर स्टूडेंट्स, इतने से स्टूडेंट्स आ रहे हैं, बाकी सारे पता नहीं स्टूडेंट्स कहाँ पे जी. इसको पढ़ें जरा, एप्लीकेशन को जो बात समझ नहीं आती पूछे मुझसे. ओके जी, ये अपनी एप्लीकेशन पढ़ ली है, thank you.
जी वालेकुम अस्सलाम निमना रोनिका जी। अच्छा आप लोग कहाँ हैं? पूरे लेक्चर में आपको जो है वो नजर नहीं आया मुझे। रोनिका निमना Thank you.